अब ये एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें क्या है जो रिस्पायरेटरी मास्क होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने पैकेज बना रहे हैं। ये उसकी इमेज है जो उसने दी है, ये उसका टॉप हो गया, टॉप हो गया, ठीक है उसका, ये फ्रंट है, ये पूरी इसकी साइड है, ये उसने भेजी हुई है, ठीक है, ये मास्क है, फेस मास्क, ठीक हो गया, ये उसकी डिटेल्स लिखी हुई है लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बैक और बॉटम सारों पे लिखी होंगी। उसके बाद उसने ये मास्क की तस्वीर अलग भी दी है, ठीक है, फेस मास्क की तस्वीर अलग भी दी है। उसके बाद उसने हमें बार कोड भी दिया, जो ये बार कोड होता है, ठीक है, ये जो इसके बॉक्स के ऊपर लगाना वो भी दिया। किस ऐप से खुला इलस्ट्रेटर से? जी जी, पीडीएफ फाइल है ना, पीडीएफ फाइल है, ओपन विद इलस्ट्रेटर करते हैं हम, क्लोज, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, ये ओपन होगी। किस किस स्क्रीनशॉट? इस बार कोड से स्क्रीनशॉट लेके इस प्रोडक्ट को, नहीं नहीं, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ये वेक्टर फाइल है, फिर हम खुद बनाते हैं, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही होती है, उसको कहते हैं कि भाई आप वेक्टर फाइल दोगे अगर आप सही स्कैन करवाना चाहते हो, नहीं तो फिर जो भी इस तरह की क्वालिटी आई है तो इसको हम ट्रेस करके या फिर खुद स्क्वेयर्स ही लगाने हैं ना, लेकिन बस लाइन के गैप्स और इनकी मोटाई देखनी होती है हमें, ठीक हो गया। बार कोड नॉर्मली वो खुद ही देते हैं, हम नहीं बनाते। इसके बाद ये तीन चीज़ें हो गई, उसने तस्वीर दे दी, एक सैम्पल दे दिया, और उसके बाद उसने बार कोड दे दिया। चौथे नंबर पर उसको होता है कि वो डाई कट देगा, ठीक है, उसने ये डाई कट दिया, लेकिन मसला क्या है कि ये जेपीजी फाइल है, हमें जेपीजी नहीं चाहिए होती, हमें वेक्टर फाइल चाहिए होती है। साइज उसने दिया हुआ 12 इंच × 12 सेंटीमीटर × 16 सेंटीमीटर। सबसे पहली होगी विड्थ, इस चीज को हम गाड़ी से रिजेंबल करके ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 12 12 16 कैसे हम इसको करते हैं। अगर मैं कोई कार की इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये कार की इमेज है, इस कार की चौड़ाई कितनी है, एक लाइट से लेकर दूसरी लाइट तक या फिर फ्रंट से लेकर पीछे डिकी तक चौड़ाई कितनी है? लाइट से लाइट तक चौड़ाई है। लेंथ कितनी है इसकी? बम्पर टू बम्पर हो गया, ठीक हो गया, और इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक हो गया। अब इसमें बताएं चौड़ाई किधर होगी? नहीं नहीं, फ्रंट, जो भी गाड़ी का फ्रंट देखते हैं ना हम, यहाँ पे गाड़ी का फ्रंट इसकी चौड़ाई थी, बॉक्स की चौड़ाई भी इसका फ्रंट होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? नहीं, जो ये साइड पे है, जैसे गाड़ी की साइड थी, ये इसकी लंबाई है, लंबाई और ऊंचाई डिफरेंट है, एक चीज है ऊंचाई, एक चीज है लंबाई, एक चीज है चौड़ाई, लेंथ, वेड और हाइट। बेसिकली जो फ्रंट है वो उसकी चौड़ाई होगी, वेड होगी, चौड़ाई होगी, जो साइड है उसकी जो है ना वो लेंथ होगी, लंबाई होगी, और जो उसकी हाइट है वो उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। अब गाड़ी का फेस है हमारी तरफ, ठीक है, गाड़ी जैसे मर्जी खड़ी हो, इसका जो भी फेस होगा ना वो इसकी चौड़ाई होगी, गाड़ी जितनी लंबी है बम्पर से लेके पिछले बम्पर तक, ठीक है, आगे बोनट से लेके पीछे डिग्गी तक, वो इसकी लंबाई है, ठीक हो गया, और फ्लोर से लेके इसकी ऊपर जो भी रूफ है इधर तक ये इसकी होगी ऊंचाई। आप लोग तो इस पर फोकस ही ना कर रहे अभी, जो पहले कर चुके हैं वो, जो अभी तीन इमेजेस कर रहे हैं वो इस पर बेचक फोकस ना करें, ये तीन से छः, तीन से चार वाली क्लास में बाद दोबारा सिखाया जाएगा, ठीक है, जो एडवांस लेवल अपने आप को कह रहे हैं वही इस पर फोकस करें। सर इसमें विड्थ सबसे पहले आती है, हाइट सबसे आखिर में, हाइट सबसे आखिर में, विड्थ, लेंथ और हाइट डिफाइन है पहले से, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिफाइन है, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो डिफरेंट भी कर देते हैं, हाँ जी, वो फिर हम कर देते हैं हिसाब से। जो भी फेस होता है वो चौड़ाई होती है, जो साइड होगी वो लंबाई होगी, और जो हाइट होगी उसकी वो
उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे हम दोबारा इधर आ जाते हैं, फ्रंट इसका विड्थ है और इस तस्वीर में आए तो इसका फ्रंट कहाँ पे है, ये वाला ठीक है, हाँ ये फ्रंट हो गया और ये उसका बैक हो गया। ठीक है, फ्रंट और बैक की कितनी उसने लिखी हुई है, 12। ये दरमियान में जो दो स्पेसेस और आ गई हैं, ये वाली और ये वाली, ये उसकी लंबाई है, उसका साइज उसने क्या दिया हुआ, 12। और यहां से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये है 16, ये इस बॉक्स की ऊंचाई है। इसका साइज क्या होगा फिर, ये ढकना है जी, एक तो हमें पता है कि ये वाली चीज 12 है, ठीक है, तो ढकने की चौड़ाई 12 ही होगी, 12 लंबाई कितनी होगी, 16। कोई डब्बा बड़ा है या शायद कोई 12 16 लिखा हुआ, इसकी 12 होगी, क्योंकि उसने ये बंद होना तो उसने लंबाई के हिसाब से टकना बना देना, ठीक हो गया, नहीं कोई डब्बा शायद मुझे मिल जाएगा, ठीक है बिल्कुल, हाँ जी हाइट 16 होगी जी, वो फ्रंट होगा बॉक्स का जो भी फ्रंट है वो विड्थ है, 12 होगी जो ढकना है उसका गोल दायरा, नहीं वो जो गोल वाला ना वो हेक्सागोन के लिए खाली, वो उस डब्बे के लिए था जो हेक्सागोन में बना हुआ है, इसके लिए गोल नहीं है, इसके लिए गोल नहीं होगा, इसमें तीन ही चीजें होंगी, विड्थ लेंथ और हाइट, सब कुछ हमने विड्थ लेंथ और हाइट से ही बनाना। स्टार्ट करते हैं, हमेशा तीन दी होती है, हाँ अगर आपने वो तीन तस्वीरें पूरी कर ली हैं तो आप इसको स्टार्ट करें, अगर नहीं की तो सबसे पहले मुझे वो तीन तस्वीरें दिखानी है, रियान आप वो तो हो जाएगा सब, और नहीं फ्यूचर वाला काम नहीं हो गया ना, वो दो तस्वीरें आपने दूसरी दी नहीं सकते हैं यार, कमाल करते हैं, तो दो तो होगी सर, ये देख एक ये वाली, एक ये वाली, बस ये वाली कौन सी है, हाँ ये बना ली है, ये कौन सी बनाई, ये बनाया ना, और एक ये सर जी ठीक है, ये देखें सर जी, ये डब्बा, ये आपने विड्थ बता दी, ये आपने हाइट बता दी, लेंथ किधर है इसकी, साइड डब्बा चार किस्म से होगा ना सर जी, ये वाली है, ये देखें ना पूरी, बस ठीक होगी, ये आपने डब्बे की फ्रंट बना लिया, ये डब्बे की हाइट होगी, ये वाली साइड किधर बनाई है आपने, ये जो साइड होगी ये मतलब इस साइड वाला जो होगा, हाँ जी इस साइड वाला, ये इधर भी है, तो हो गया कि चलो 12 12 जो भी है वो सब 12 लेंथ और 12 सर, नहीं 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 मुझे कोई डब्बा लाके नहीं, यहाँ से जाए ना, आप लोगों ने वो कंप्लीट किया लेकिन आप लोग जान लगे क्यों, अच्छा और कितनी चीजें आप पहले बना चुके हैं, सर मैंने 5 ऑर्डर किए हैं वेबसाइट के, मुझे 500 के लिंक देने, ठीक है सर, आपने सर मेरे जो बनाए थे उसकी वो बंद कर दिए वेबसाइट उसने, horoscopist.com, ठीक है वो वेबसाइट बंद हो गई है, एक वेबसाइट की मैंने बनाई थी उसने वो अपलोड ही नहीं किया अभी तक, उसे कोडिंग में मैंने बना के दी थी कंप्लीट वेबसाइट, उसने अभी तक अपलोड नहीं की हुई, और उसके मैं उसका पूरा यानी मेरे पास डाटा अपन होती है बीच में, मेरे पास पूरा डाटा है तो कहते तो उसने की है, मुझे मेरा तो काम बना के देना वो करे या ना करे, सही आपने दो प्रोजेक्ट आपने, और एक सर एक दो लिंक पड़े हैं जो मैंने कंप्लीट वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है जे एम एन की बेसिक वेबसाइट,
कल बनेगी सर, कंटेंट ड्रॉप करने दे, डमी कंटेंट में डाल दूंगा सर, पिक्चर्स बस मुझे भेज दें, कल सेंड करने में अभी को बना दूंगा सर। ठीक है, मैं रात तक ना आपको सारी चीज़ बता दूंगा हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हाँ, तीनों की मिला के एक बनेगी। बीच में आप PHP के हैं ना, तो आप बीच में उनका बीच में डाटा बेस आप इन्वॉल्व करेंगे, किसी ना किसी आपने करना ही है। ठीक है, मुझे अगर और भी आप लोगों के कोई हैं तो जो इधर आते हैं, जो पता हो आपको वेब में है, तो हाँ उसको भी बिठाया ना, हाँ मैं बना लेता हूँ, मैं भी ग्रुप बना लेता हूँ। मुझे सिर्फ आप लोगों ने टेक्स्ट कर देना अपने अपने नंबर से, ताकि मुझे अपनी मुझे कर देता, मैं आपको डिटेल। वेलकम, हमने टारगेट 50,000 रखा हुआ है, वो आपकी आपकी फील्ड में रखा हुआ है। जो स्किल्स आपकी होंगी पॉलिश हम करके आपको उधर तक लेके जाएंगे। मतलब मेरा ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको सीट के डिजाइनिंग में लेके आऊँ। ठीक हो गया, हम उसी तरफ को चलाएंगे। ये अपने तैयारी, ये क्या होगा, ये 16, ये साइड है, ये साइड जो है ये 12, ये 12 और इस तरफ नहीं, इस तरह 16, इस तरह 12। ठीक है, अब लेंथ जो साइड वाली है वो 16 रखी, ये भी 16 है। सर ये इस तरह नहीं समझ आएगी, तो मैं आपको समझ आएगी ना, मैं एक सेकंड, एक सेकंड सही भाई, सही भाई ओ नहीं है यार, ये देख लो वेट तो होगी, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल फार्मूला का नाम वेट लेंथ सही है, ये होनी है टू डायमेंशन में वेट लेंथ किया कोई बॉडी लेंथ लेंथ और एथु लेके आता है लेंथ है सही है, ये होगी विड्थ, हाइट हो कुछ गई, ओ नहीं सॉरी सॉरी ये विड्थ है, ए एथु लेके आता है, ये एथु लेके आता है ना, ए जो पोर्शन है ए लेंथ है, लेकिन समझ ये डब्बा ना पिछला पास नहीं होना, एक तो फ्रंट हो गया ना, एक ये साइड है, ए जो ये है इसकी लंबाई है, ए हाइट है, ए हाइट है, हाइट है। ठीक है, उनसे मिल गया उन लगी थोड़ी दी ये डब्बा एक लेक्चर में दसना थोड़े होता है, ए डब्बा ऑफ साइड है, जो तो मेरे में तक में दसना, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ और ये तो फार्मूला पा ए नहीं लेंथ ते विड्थ सही है, तो मुड़ी के ए लेंथ ये सारा क्या है, लेंथ नहीं है हाइट है, तो मुड़ी हाइट ऊपर होनी, हाइट सर हाइट आई आई है, ये चला नहीं गल करना, ए लेंथ है, ए विड्थ हाइट है, इसकी 3 डायमेंशन करनी है, ऐसा के विड्थ है, ठीक है लेंथ इज लेंथ है, सुन हाइट के बता रहा हूं सामने, ये सब फ्रंट पोर्शन है, ये विड्थ थी सही है, थोड़ा मैच डब्बे पता किस हिसाब से काम है, ये दो यहां डब्बा नहीं होना, हां मैं सामने देना अलग में हूं, मुझे समझ आई है कि डब्बा ये यहां पीछे जाना है, हां यहां पीछे जाने लगे है, लगे ये बॉक्स है, ठीक हो गया, जिससे लेना ये पकड़ ले इसको, ये फ्रंट है, ठीक है इधर नजर आ, बैक नजर आ, ये फ्रंट हो गया, ये हो गई इसकी बैक, ये है इसकी साइड, ये विड्थ है, इसी तरह ये इसकी विड्थ है, अगर इसको पूरा खोल है हम डाई कट होता है, और वो टेप वाला नहीं खुलेगा, ये वैसे तो उसमें वारंटी में खराब नहीं करना, वारंटी वाला ही है ना, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, मैं खोल गया हूँ खाली, सही इंग्लिश टूल से बनेगा पेन टूल से, ये नहीं पेन टूल, ये सब पेन टूल ही खाली, ये विड्थ होगी, ये इसकी साइड थी ना, ये विड्थ नहीं है, ये लेंथ है, मुझे पहली क्लास में दी गई थी, फिर विड्थ आ गई है, फिर लेंथ आ गई, आपके पास नहीं है फ्रंट और बैक विड्थ है, जो ये साइड है ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, इसलिए मैं सर भी बोल रहा हूं, मैं बाहर ही समझ लेगा, ये वो 16 की साफ थी, क्योंकि वो वास के लिए वो बड़ी होगी, तो लेंथ इसकी होगी नहीं, मास्क कैसे पड़ेगा ना, जैसे ये साइड पे नहीं पड़ा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर पड़ेगा, हाइट इसकी 16 है,
अब इसको मैं खोलता हूँ ना, तो इसकी भी हाइट 16 है, इसकी भी 16 है, इसकी भी 16 है, इसकी भी 16 है, लेकिन इसकी हाइट, इसकी विड्थ कितनी है 12, इसकी लेंथ 11 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, जो उसने दी है यहाँ पे, इसने इसकी भी 12 दी है क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स बनाया। अब इसका ये हिसाब है, एक तो ये फ्रंट कितना चौड़ा, ये कितना आ जाएगा 12, दूसरा ये लेंथ में इस जितना, तो जो इसकी लेंथ होगी ना वो इसकी हाइट होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये भी 12 है तो ये भी 12 ही होगा, अगर ये 13 होता तो ये 12x13 हो जाता, अगर ये 14 है तो ये 12x14 हो जाता। वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये फ्लैप है ये वाला, ये एक इंच भी रख सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे कि ये यहाँ पे क्या हो जाता है। यहाँ नीचे वाले भी मैंने नहीं बनाए हुए वैसे, मैं तो नॉर्मली रख देता हूँ साइज, लेकिन मैं ये जो है ना, इसको कहते हैं पता नहीं क्या नाम कहते हैं, स्नैप लॉक होता है ये वाला, ठीक है, तो इसका भी प्रॉपर साइज ही होता है, लेकिन वो उसको मैं देख के खुद आपको बता दूँगा इसका क्या साइज, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं करना होता, इसलिए इसका साइज मैं नोट ही नहीं करता, हमने डिज़ाइन सिर्फ इन चीज़ों पे करना होता है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्या चीज़ ये बॉटम 12, इसकी विड्थ भी 12 है, इसकी भी 12 से शुरू हुई है, जितना पॉइंट आप इसको यहाँ पे लेके जाएंगे ना, उतना पॉइंट आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे, वो लेवल हो जाएगा दोनों आपस में, और जितना आपने इसकी हाइट रखी है ना, इसकी हाइट भी उतनी रखनी है, ठीक है, और जब ये आपस में टक हो जाएंगे तो ये लेवल हो जाएगा, ये टक वो इंग्लिश वाला टक है, मतलब आपस में जुड़े जाते हैं वो टा, हाँ इंग्लिश बिस्किट वाला नहीं है। इधर तक क्लियर है? अच्छा, मेजरमेंट कैसे देनी है, ये कल भी मैंने बताया था, वो इतनी क्लास बीच में वैसे ही चलती थी रिकॉर्डिंग। अच्छा, मेजरमेंट कैसे देनी है ये कल भी मैंने बताया था, इन्होंने मुझे जो इमेज दी है ये सेंटीमीटर्स के अंदर है, उससे ज़्यादा नहीं करता, नहीं नहीं ये भी दिया ना उसने, ये फाइल भी दी है, इसमें उसने बताया पैकेजिंग डिस्पोजेबल डस्ट मास्क, ये चीज़ें लाजमी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या है जो ढकना इसका अपर पार्ट है इसका जो, ठीक है, उसके ऊपर ये चीज़ें हों, चार फ्रंट के ऊपर ये सारी चीज़ें हों, राइट साइड पे ये सारी चीज़ें, लेफ्ट साइड पे ये सारी चीज़ें, बैक पे ये सब कुछ, और बॉटम पे सिर्फ एक्सपायरी डेट लिखी हो, हाँ जो बॉटम पे जो ये जो था स्नैप लॉक, इसके ऊपर सिर्फ एक्सपायरी डेट ही लिखी होगी और कुछ भी नहीं होगा, वो किसी भी फ्लैप है, मास्क ये उसने प्रोवाइड किया ना अलग पिक्चर, ये अलग तस्वीर भी उसने दी भी है यहीं पे है, गई ये ठीक हो गया, और इसने ये भी कहा है कि ये पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको और बेहतर प्रोफेशनल तस्वीर भेजूंगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सेंटीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट थी, इधर आ जाए, खाली हो गई सीट तीनों, ठीक हो गया, सेंटीमीटर्स के अंदर हम इसको लेके जाते हैं, अगर तो वो इंचेस के अंदर है बॉक्स, हम इंचेस के अंदर लेके जाएंगे, सेंटीमीटर्स किया, रफली हमने उसको दे दिया कोई भी साइज, वो बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे कि आर्टबोर्ड कितना करना है। क्रिएट, सबसे पहला स्क्वायर हमने बनाना है विड्थ का और हाइट का, 12x16, इंटर किया, ये हमारा बन गया फेस, जो लेंथ है इसकी उसका क्या साइज था, 12x16, ये विड्थ का साइज था 12x16, उसमें लेंथ का भी 12x16 क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, क्लिक करके ड्रैग करके आगे ले गए। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन थी असन को कि आर्ट शिफ्ट दबा के उससे नहीं हो रहा था, मेरे से हो गया, ट्राई करें दोबारा, अगर नहीं होता तो आर्ट दबा के क्लिक करके आगे लेके जाएं और फिर शिफ्ट दबा दें, और जहाँ पे ये स्नैप करता है ना यहाँ पे ये यहाँ पे, हाँ वो शो करता है डार्क है, लेकिन साइज उतना ही रहता है इसका,
ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अभी इसमें आपको गैप नजर आ रहा होगा कि एक ही ब्लू लाइन देखें यहाँ पे है ना, मैं दूसरे पे आता हूँ उसकी लाइन थोड़ी सी इस तरफ है, तो एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर लाइंस नहीं है, इनको आपस में जोड़ने के लिए चंगी भली मेहनत चलती है। लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें, इस पे और ज्वाइन नहीं करना, क्लिक करके ड्रैग करना या क्लिक करके इसकी पोजीशन क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे गए, इसकी पोजीशन नोट कर लेंगे एक्स और वाई क्या है, ठीक है। इसकी एक्स ये थी, कॉपी किया यहाँ से, इस पे क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए, पोजीशन पेस्ट की, ओके। नहीं समझ लगी, बॉटम मैंने कर लिया था, अब मैं टॉप को जाके थोड़ा सा किधर गया, यहाँ पे दोनों लाइंस अलग अलग हैं, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट की जगह पे रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की जगह देखते हैं कि ये इसकी लोकेशन क्या है, आर्ट बोर्ड के ऊपर एक्स और वाई कोई तो लोकेशन होगी ना इसकी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जिसको कहते हैं। ऊपर ये जो ट्रांसफॉर्म का बटन है इसके ऊपर यहाँ पे इसकी एक्स लोकेशन लिखी हुई है और इधर इसकी वाई लोकेशन लिखी हुई है, हमने सिर्फ एक्स कॉपी करनी है क्योंकि एक्स पे उसको लेके आना, हमने कंट्रोल सी वापस आए, दूसरे एंकर पॉइंट को क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए, कंट्रोल वी और इंटर। अब क्या होगा, इन दोनों की लोकेशन एक ही प्लेन। अब इसकी वजह से इस बॉक्स का साइज चेंज हो गया 12 से कम, क्योंकि हम पॉइंट एक उधर ले गए, इसको वापस 12 करते हैं और 16 तो अपनी जगह पे गया। अब वापस जाके देखते हैं कि क्या हुआ उसको, और अब वापस उधर आ गया। क्लोज चेक नहीं करता, लेकिन ये प्रिंटिंग में मसला करेंगे। क्योंकि एक फ्रंट आपका साइड पे जा सकता है, लेकिन इतना छोटा जाता है कि वो नोटिसेबल नहीं होता। अगर तो आप कर सकते हैं तो इसको कर भी लें, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा के इसको कर लें, नहीं भी होता तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये 11.994 मतलब 0.006 सेंटीमीटर फर्क आया, वो कुछ भी नहीं है देखने में, हमें तो एक सेंटीमीटर का फर्क नहीं पता लगता, तो वो 0.006 सेंटीमीटर है। नहीं, अब दो बॉक्स बन गए, हम इन्हीं दो को आगे कॉपी कर लेते हैं, फिर ये बैक बन गई और ये दूसरी साइड बन गई, ठीक हो गया। इसी को लेके जाते हैं हम टॉप पे, ये बैक है, जिसके साथ ढकना होगा वो बैक है। इन सब के साइज सेम होंगे जी, सबके साइज सेम हो गए, लेकिन हम ये ढकने को एडजस्ट करेंगे। अभी ढकना हमने बना लिया, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, इसको 12x12 दे देते हैं साइज, ठीक हो गया, और इसको घसीट के नीचे ले आए, ये वाला, क्योंकि इसने इस ढकने ने इसकी लेंथ को देखना है, ये ढकना हाइट के हिसाब से नहीं चल रहा, ये ढकना फ्रंट और साइड के हिसाब से चल रहा है, तो फ्रंट इसकी 12 ताकि ये एक सीधा ऊपर जाए और साइड इसकी 12 ताकि जहाँ पे ये चीज खत्म होती है वहां पे ये बंद हो जाए, ठीक हो गया, क्लियर है सारे। इसके बाद इसी को कॉपी कर लें इधर और इसी को कॉपी कर लें यहाँ पे, इस जगह पे नहीं आएगा क्योंकि ढकना यहाँ पे बंद हो रहा, और इन दोनों को छोटा कर लेते हैं, रफली साइज कोई भी साइज हो सकता है, इसने जैसे ये साइज दिया हुआ ताकि ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाए, साथ जुड़ जाए, हाँ हम कितना उसको रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्रिंटिंग शिंटिंग कुछ भी नहीं है, प्रिंटिंग वाले 1, 2, 3, 4, 5 यही मेन चीज़ है। किसको? हाँ 6x12 वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ इन्होंने नहीं उसको दिया हुआ बल्कि कट दिया हुआ,
हल्का सा यहाँ से कट होकर अंदर की हुई है शेप, ठीक है। हम इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेलेक्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर चार पॉइंट इधर ले गया, चार पॉइंट इधर ले गया, ठीक हो गया। इसी को नॉर्मली नीचे लेके आया जाता है, दूसरी साइड से, मतलब इस साइड से भी कर सकते हैं, उस साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली डिब्बों में होता नहीं है, एक ही साइड टेढ़ी होती है। जैसे ये देखें ना, ये साइड सीधी है, ये साइड सीधी है, ये यहाँ पे कट आके ऐसे नीचे हो गया, इधर भी कट आके साइड पे हो गया, एक साइड पे होता है, नॉर्मली नहीं होता, लेकिन मर्जी अपनी आप कर भी सकते हैं, बहुत से डब्बों में ऐसा होता भी है। ये नीचे वाले दो फ्लैप्स भी बना लिए, यही डगना उठा के हम इधर लेके आते हैं, ये उन बॉक्सेस के लिए है जिसके दोनों साइड पे ये डकना होता है, इधर भी होता है, इधर भी डकना ही होता है, ये तो चार अलग अलग पीस है ना, जिसके ऊपर नीचे डकना हो वहाँ पे ये बन जाता है। इसी को हल्का सा कॉपी करके ऊपर लेके जाएंगे, और इसका साइज 12 विड्थ है, 12 हाइट को कम करके एक कर देते हैं। ये वो आगे वाला फ्लैप है जो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, और इसकी साइड्स गोल भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी को गोल भी करना है तो गोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल के दबा के, नहीं उसका मुझे पता, कंट्रोल के, ये इक्वल हो, ठीक है, लेकिन अगर सारे आप इक्वल पकड़ के करते हैं तो वो दे भी देता है, ये साथ लिखा हो भी आ रहा है, लेकिन अगला पॉइंट ठीक है, ज़्यादा बैंड हो गए, बिल्कुल ठीक है। इसको क्लिक करके यहाँ पे ले आते हैं, और इसको घुमा के इसी का एक पार्ट इधर हल्का सा होगा जिसको ग्लू करके वो जोड़ेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक आपका डाई कट कंप्लीट हो गया, अब आपने इसके ऊपर डिज़ाइन करना शुरू करना, ठीक है। डिज़ाइन करने के लिए क्या, सबसे पहले हम उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। वो कहता है अपर पोर्शन में पिक्चर ऑफ द मास्क, ठीक है, अटैच इन द मेल, इसने मुझे मेल की हुई थी, इधर आता हूँ, ये पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्लेस किया, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। इससे पहले दूसरी चीज जो उसने लिखी हुई थी, नहीं समझ आई, जिस तरह आपने डायरेक्टली किया कि जो आप ये काम करते हैं, लेकिन जो यहां है सारा होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है कि वो डायरेक्टली उस जगह पे नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा साइड पे चला जाए, जब वो डाई कट बन जाए तो आगे पीछे चली जाती चीज है। ये है कि अगर ऑफसेट पाथ बन जाए तो ये जो, अगर ये इस स्क्वायर को अगर हम उसमें नोट कर लेंगे जो ब्लैक आउटलाइन लगी हुई है, या इसके अलावा एक और स्क्वायर बनाऊं, एक और स्क्वायर बनाऊं इससे थोड़ा सा कम, जी इससे कम, हां ऑफसेट पाथ करके ना उसका स्क्वायर कम कर, हाँ ऑफसेट पास करके कर सकते हैं, कंट्रोल सी एफ किया और इसको चारों साइडों से पकड़ के ऐसे, नहीं ऑफसेट पास कर, तो मुझे पता करना यही था जी, ये करके एक को न्यू पाथ लाए ताकि उसके अंदर सारी चीजें जो हमने कंटेंट डाला है, ये लोग एंड पे हमारे दोनों के साथ लागू होते हैं, जो हमारी बॉर्डर्स हैं उनके साथ, उनके साथ अटैच हो रहा, हाँ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि आप, आपने ये नई लेयर बनाई हुई है ना, ये नई लेयर बनी है, ये पीछे वाली लेयर है, ये सेकंड लेयर है, और जो भी आप डिज़ाइन डालते हैं उसको इसके अंदर क्लिप मास्क कर दें। अब फर्ज करें मैं डिज़ाइन ये लेके जाता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ ऐसे, अब वो उस स्क्वायर से बाहर निकलेगी नहीं, क्लिप मास्क करके हम करते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हम सिंपल इसी को लेके चल रहे होते हैं जो हमने किया हुआ था, ठीक हो गया।
آپ کی مرضی, وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کہاں پہ فٹ کرنی ہے. جیسے اب اس کو دونوں سائڈ پہ بھیجا اس کونے کو لے رہے ہیں, نہیں 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 یہ ہمیشہ جو ڈھکنے کے ساتھ ہوگا وہ بیک ہے, ڈھکنے کے ساتھ یہ والی یہ بیک ہے, یہ اس کا فرنٹ ہے. اس کا اگر تو اس کو آپ گھما لیتے ہیں کمپلیٹلی, ٹھیک ہے, ایسے کر لیتے ہیں, اب آپ کی یہ بیک ہوگی ہے, یہ فرنٹ ہو گیا. لیکن اگر گھمایا تو آپ کا ڈیزائن بھی پورا گھوم گیا. جو بھی ڈھکنے کے ساتھ ہوگا, ڈھکنا اگر اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو ٹیکسٹ لکھیں گے. فرض کریں میں نام لکھنا ہے اس کا, یہاں پہ اس کا نام ہے وی بریتھ, فرض کریں یہ نام ہے, ٹھیک ہے اس کا. اب اگر اس کا مین میں یہاں پہ بنا لوں, ٹھیک ہے, یہ امیج بھی اٹھا کے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ فرنٹ ہے اس کا, وہ جیسے مرضی پرنٹ کرے یہ فرنٹ ہے اس کا. لیکن اگر اس نے یہ نیچے اس کو پاؤں مارے, ٹھیک ہو گیا, جب وہ پرنٹ کرے گا نا ایسے ہی ڈبا اس نے پرنٹ کیا, ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو ڈیزائن ہے نا ہم نے اس کو فرنٹ بنایا تھا نا تو وہ ایسے پرنٹ ہوگا, ہاں الٹا اس کا نام ایسے لکھا ہوا ہوگا. ہاں جی ان ڈیزائنس کے اندر لیڈ سب سے پہلے ہوگی کیونکہ یہ ایکچوئل آپ کے پاس سامنے پروڈکٹ بھی آ گیا. ہاں یہ بیک ہو جائے گی جو لیڈ والی ہے, جو درمیان میں آ رہا ہے یہ فرنٹ ہے. اور اسی طرح ہم نے نام لکھنا, ہم نے کائنات الٹا نہیں لکھنا. اگر ہم اس کو گھماتے ہیں نا جیسے ہم نے یہاں پہ اس طرح یہ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا, وی بریتھ کا ادھر بھی کر دیا ادھر بھی کر دیا, یہاں پہ بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اینڈ پہ وہ پرنٹ کرے گا, وہ دیکھے گا لیڈ پہلے ہے, وہ اس کو ایسے پرنٹ کر دے گا. تو ڈبہ جب بھی کھلے گا نا تمہارے ہاتھ میں ایسے کھلے گا, ہم جب بھی ڈبہ کھولنے کی کوشش کریں گے نا ایسے کھولنے کی کوشش کریں گے, یہاں سے ہم بلب نکالیں گے. پھر جب ہم اس پہ دیکھیں گے ہم کہیں گے یہ تو باکس الٹا بنایا ہوا جس نے بھی بنایا ہوا. ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بلب کو جس نے بھی کھولنا ہے وہ یہی دیکھتا ہے یار نام کس کمپنی کا کس طرف لکھا ہوا ہے, یہاں اچھا اس طرح لکھا ہوا ہے تو یہاں سے کھولتا ہے, اگر نام الٹا لکھا ہو تو کوئی بھی یہاں سے نہیں کھولے گا, وہ اس طرف سے کھولیں گے اس کو, نام سیدھا کر کے پھر کھولیں گے. تو اس لیے جو لیڈ کے ساتھ ہے وہ سب سے پہلے رکھیں گے ہم سیکنڈ نمبر پہ, تھرڈ نمبر پہ جو ہوگا یہ فرنٹ ہوگا ہمارا. آپ کے کوسچن تھے دو تین اور, وہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے, اب ایک اور چیز اس نے جو دی ہوئی ہے گرین اینڈ بلیک کلر میں ہو, جو اس نے سیمپل دیا تھا وہ بلو اینڈ بلیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بلو کا شیڈ ہے گریڈینٹ ڈالا ہوا ہے, یہ بلیک ہے اور بلیک کے ساتھ بلو چھوٹا سا ایک اور پارٹ بھی ہے. ہم کیا کریں گے کسی بھی ایک پہ کلک کیا, یہ فرنٹ ہے ہمارا, یہ گرین ہوگا جیسے یہاں پہ بلو ہے, ٹھیک ہے, یہ بلو ہے نا اس کا مطلب یہ ایریا ہمارا گرین ہوگا, یہ سائڈ بلیک ہے اس کا مطلب یہ سائڈ ہماری بلیک ہوگی, ٹھیک ہے. اس کو ہم دے دیتے ہیں گریڈینٹ, ٹھیک ہو گیا, یہ گریڈینٹ دے دیا کمپلیٹ ہی نا, ٹھیک ہے, ایک یہ اور دوسرا ریبن آپ کی اس اسٹرنگس کے اوپر ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا, لیئر کے اوپر ہونا چاہیے اور لیئرس میں جا کے دیکھوں گا, ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے بلو بلون ہے اس کی, یہ بلو یہاں پہ یہ بھی بلون کا حصہ ہے,
ठीक है, इन दोनों को ग्रुप कर दें, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये बलून, ये पर्पल वाला और ये वाइट वाला ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद उस ग्रुप को इसके साथ ग्रुप करेंगे और उस ग्रुप को इस थ्रेड के साथ ग्रुप करेंगे, ठीक है। ये एक दो तीन चार एक ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह ब्लू बलून, उसकी ये शाइन अंदर, उसकी जो वो नॉट बनी हुई है वो, और रिबन, ठीक है, ये रिबन नहीं सॉरी ये थ्रेड जैसे की, ये चार एक ग्रुप, येलो का एक चार ग्रुप, ग्रीन का एक ग्रुप, ब्राउन का ग्रुप, फिर ये आगे बाद टोटल इतनी जब पाँच ग्रुप बन जाएंगे और उसके ऊपर एक ग्रुप होगा जो रिबन का होगा। बेहतरीन है यहाँ तक बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये शिफ्ट के साथ ही बनाइए, ये शिफ्ट यूज़ तो यहाँ तक ही है जो क्रॉस करते हुए शिफ्ट ही यूज़ किया ना। अच्छा वो बैलेंस रखने, हाँ बैलेंस रखने की, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो, हमने शिफ्ट यूज़ किया, ठीक है। ये भी हो गया, ये ठीक है, यहाँ पे भी आपने वो शिफ्ट के साथ किया हुआ। ये कॉर्नर तो दोनों हो गए, ये आपका डिफिकल्ट हो गया था, ये नहीं हुआ, इसमें शिफ्ट ही यूज़ करना था खाली। ये भी थोड़ा सा नहीं ठीक बना, ये बेहतरीन बना, और ठीक है, ये पेन टूल से बना हुआ, हाँ ये पेन टूल से, पेन टूल से बना हुआ, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके लिए हम लेयर को कम करें। अच्छा अब हमने क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे पीछे ऑरेंज है, उसके ऊपर पर्पल है, उसके ऊपर ब्लू है, तीन लाइंस चल रही हैं ना, अगर मैं चाहूँ कि ब्लू सबसे ऊपर आ जाए, ब्लू की लेयर को ऊपर ले जाए, ब्लू की लेयर को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन जो ब्लू के सर्कल हैं वो पीछे ही रह जाएंगे, इन्हें ग्रुप करना पड़ेगा, इन्हें ग्रुप करना पड़ेगा। इसी तरह ऑरेंज वालों को भी सबको ग्रुप करना पड़ेगा और पर्पल वालों को भी ग्रुप करना पड़ेगा। ये पर्पल के ऊपर ऑरेंज क्यों आ गया, पर्पल के किधर, ये लाइन पर्पल है और सर्कल ऑरेंज है, ठीक हो गया जी सर, इधर ही है, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गई जी। थोड़ी सी एक और रिफाइनमेंट थोड़ी सी इनकी चाहिए, बाकी बेहतरीन। ठीक है पैकेजिंग यहाँ आगे, ठीक है बन जाएगा ये। वैसे ऑर्डर किसी ने पकड़ा हुआ, अगर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर माँ को ऑर्डर पकड़ा, ठीक है। और सैंपल हम जो इससे इंस्पिरेशन के लिए दिए हैं ना, वो ये बॉक्स दिया हुआ है, एग्जैक्टली 100% अब नहीं बनाएंगे, लेकिन 80-90% इससे मिलता जुलता होगा, ठीक है। कलर्स डिफरेंट होंगे, थोड़ी सी प्लेसमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, शेडो चेंज कर सकते हैं। ये लोगोज हैं नियोश, ठीक है, नियोश के लोगो आप गूगल से उठाएंगे, उनको वेक्टर करके लगाएंगे। ये लोगो भी CDC का एक लोगो है, N95 वाला अप्रूव बन भी जाता है, बन भी ले भी सकते हैं, स्टिकर नहीं है बस, ये भी प्रिंट ही है, ये भी, लेकिन नीचे उसने शेडो ऐसा दिया है कि स्टिकर लग रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो इसकी साइड है ना, इस पर ज़रा गौर कर रहे ना, तो ये दो कलर की साइड है, साइड एक ही है लेकिन वो दो पार्ट्स में उसने डिवाइड की हुई, आधी वो ब्लू है कोई, पीछे वो ग्रेडिएंट भी यूज़ किया, क्योंकि इसका ये फ्रंट ग्रेडियंट है ना, लेकिन यहाँ से डार्क है यहाँ से लाइट है, तो वो ग्रेडियंट जैसे इसका, हाँ इस साइड पे प्लेन बॉक्स बन रहा है, इसका भी ये ग्रेडियंट है, यहाँ ब्लैक है यहाँ लाइट है, इसमें नहीं, ये फ्रंट है, हम डब्बा ऐसे खोलते हैं हमेशा, ऐसे बंद है ना, ये जो आपके सामने है ना ये फ्रंट है, हम इसको ऐसे करके डब्बा खोलेंगे, और ये बैक है, और ये जिस तरह ढक्कन है ना वो बैक है, ये जो कावेर टेक्नोलॉजी है।
और बाजी ठीक हो टैक्स लिखना और वो हाँ वो लिखना है बिल्कुल जो टेक्निकल चीज़ें थी वो सारी बता दी ये आपको भी भेज दूँ प्रोजेक्ट करेंगे चलो मैं भेज कौन कौन अब पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए अपने आप को रेडी समझ रहा है टू और फोर बिल्कुल हाँ फोर के लिए हाँ ये वाला दूंगा ये मैं इनको क्यों कहता हूँ क्योंकि उनकी शॉप पे बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं उनकी शॉप इतनी ऐसी चीजें अब जब मुझे पहला ऑर्डर आया था ना मुझे नहीं समझ आया था मैं क्या करूँ ठीक है मुझे भी वही हिसाब था फ्रंट कौन सा है बैक कौन सी है बनाई जाऊँ एंड पे वो कहे नहीं ये नहीं सही फैक्ट्री वापस आ जाए ये क्या ये नहीं सही इसको सही करो इसकी ओरिएंटेशन नहीं सही ये नहीं सही वो नहीं सही अच्छा फिर बैठा रहा दोस्त आया उसको मैंने समझाया सारा मैंने कहा ये डब्बा बनाना है बताओ क्या करूँ वो भी काफ़ी देर लगा रहा फिर वो कहता है जाओ घर में देखो डब्बे कितने पड़े उठा के लेके आओ तो 5-6 डब्बे लेके आए सारे डब्बे इस तरह हमने खोले ठीक है खोल के रखे गूगल किया गूगल पे जाके हमने डाइकट देखे कि डब्बे के डाइकट जो है उसका फ्रंट किधर होगा बैक किधर होगा कोई 3-4 दिन लगे थे हमें सिर्फ ये डिसाइड करने में इसकी फ्रंट कौन सी साइड है जो आपको सीधा सा बता रहा हूँ जिसका ढक्कन है वो बैक है हाँ नहीं वो प्रॉब्लम नहीं वो लेफ्ट साइड जो भी राइट लेफ्ट राइट का मतलब है एक साइड पे ये एक साइड पे ये जिस मर्जी साइड पे हाँ बिल्कुल सबसे बेहतरीन इसकी वो साइट जो मैंने आपको बताई थी वो क्या वेबसाइट का क्या नाम था अच्छा वो तीनों उठ के चले गए जिन्होंने बनानी थी मेरे लिए इसमें आप ताबूत भी बना सकते हैं अच्छा ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स नजर आ गया मैच बॉक्स इसका डायकट क्या होगा ऊपर वाला उसका एक पूरा कवर होगा बस सीधी सी लाइन होगी और इसका डायकट क्या था कि ना ओके अब ये है जो मैंने ऑर्डर बनाया हुआ इसमें डाई कट सिर्फ इसका ये ऊपर वाला फ्रंट ही है अगर किसी ने लगानी है वो क्या बताओ क्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखवाना नहीं है मैंने यहाँ पर रूट ही लगवाना है उसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं होता करवाना चाहे तो वो भी है लेकिन ना ठीक है और इसका डाई कट यहाँ पे ये डाई कट है इसका माचिस का ये बल्कि ये भी नहीं ये अंदर वाली है ये अंदर वाली चीज है हाँ ये अंदर वाला है इसके ऊपर डिजाइन करना तो आप ये करेंगे और नीचे वाले का तो मैंने वैसे ही वो कर ही दिया डिजाइन कर दी ये नीचे पड़ा हुआ मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ इलस्ट्रेटर में फ्लेम भी बन गया हुआ अंदर सही नहीं बना वो इसका एक कोना सही नहीं बना वो सर से ठीक अंडा ही पहले बता दो हेक्सागन ये इसकी ये कौन अच्छा ये इसके ऊपर टॉप वाली साइड थी ना जो उसका ऊपर वाला कवर था वो सिंपल यही था ठीक है उसके अंदर मैंने कलर किया
उसका लोगो लगाया और ऊपर एक और शेड दे दिया, बस ये मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। जिसने $80 नहीं नहीं ये प्रोफाइल से आया, प्रोफाइल बन गई भी उसकी वजह से ये ऑर्डर उतार है, ठीक हो गया। दूसरी चीज हेक्सागन का पूछा आपने, हेक्सागन के अलावा भी बहुत सारी शेप्स हैं वैसे इसमें। अच्छा बेसिक के अंदर और भी हैं, ठहरें बेसिक ये नहीं है, बेसिक में आता है क्या, वो जो डब्बा दिखाया था खाली, जी अब ये डब्बा इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ ज्यादा है, नहीं विड्थ ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है, लेंथ कम है, लेंथ कम है, वेट ज्यादा है इसकी, ठीक है। सर जो मैंने उसी बनाया था वो यही था, उसकी लेंथ कम थी, ये इसका डाई कट है, वेट तो हाइट सेम है, ये तो हमने बिल में रिकॉर्ड किया था जी, उधर से ही रिकॉर्ड किया था, हां जी इसका डाई कट ये था ना, और ये भी अंदर फिल हुई भी है, लेकिन उसने गत्ते के डब्बे पे बनाया था तो मुझे लाजमी नहीं है कि मैं उसको ब्राउन कलर का ही दूँ, तो वो ब्राउन कलर भी उसके ऊपर प्रिंट होगा, मैं उसको ट्रांसपेरेंट पूरा डाई कट देता हूँ, जब वो प्रिंट करता है ब्राउन गत्ते के ऊपर तो वो इस तरह का प्रिंट हो जाता, ये डाई कट उसी ने दिया जी। अच्छा इसमें और इसकी लीड ये नीचे ऊपर वाली लीड है, नहीं 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 ये साथ ही है ना, जैसे वो किसका बॉक्स हो सकता है ये, नहीं नहीं ये शर्ट का बॉक्स नहीं है, ये बेल्ट है इसके अंदर, वो जैसे नहीं विटाबिक्स का बॉक्स होता, ये जो भी सीरियल है हाँ ऊपर से ऐसे खुलते हैं, बंद भी ऊपर से होता है, ये वो चीज़ है, लेटी भी ऐसे इसको नीचे, ठीक हो गया। लेकिन जो जो ऑर्डर आएगा आपको उस हिसाब से बॉक्स करने पड़ेंगे, या उधर चले जाए जो स्क्रैप यार्ड होता है जाके बॉक्स कटे करें, और इसका डाई कट ये है, इसमें फ्रंट का गगने भी इसी के साथ है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रंट ही होना चाहिए था, नहीं मैंने उसको गलत बना के दिया था, फ्रंट ये होना चाहिए था ना, यहाँ से खुलेगा ना ढकना, नहीं खुलेगा तो फिर बैक से, फिर वो ऐसे डब्बा दूसरी तरफ मुंह करके खोलेगा, हाँ दे भी दिया, दे भी दिया, बता भी नहीं चला सर, ये चीज ये गलत कर दिया मैंने, गलत डिजाइन बना के दिया सर, दोबारा ठीक करके इसको भेज सकते हैं, बनाई हुई है मैंने एनिमेटेड वीडियो, और दोबारा ठीक करके इसे भेज सकते हैं अभी, और जी भेज सकते हैं अगर मैं उसको रब्ता कर लूँ, फोन नंबर नहीं वो ई मेल एड्रेस ही है। अच्छा वीडियो की बात हुई है तो वीडियो काम पर हुई थी सर जी, कोई काम करें ठीक करके $10 और ले लें $10 के जब वो ये $200 का था। अच्छा।
मैंने कहा था बना लूँगा, बना लिए, सर देखें ठीक हो गया, बेहतरीन जबरदस्त। अभी ये भी नहीं सीखा था कि सीखे गाड़ी जाकर बना लेता। नहीं ये इसकी वीडियो है ना, है वीडियो। हाँ ये जो बंद रिकॉर्डिंग हो रही थी, अब बंद कर दूँगा तो नहीं बचाइए ना।